शेखा जी बहुत अच्छा यार। कौन सा जोड़ा? कौन सा? कल ले कर आए हैं उन दोनों का जोड़ा लगा हुआ है, ये वाला। ये सामने बैठी यार, ये तो मादी कहीं और से लिया है, तो नर कहीं और से लिया है। ये मादी की इट्ठी सी है, छोटी सी, तो ऐसी ही है। हाँ शेख जी, ओ यो शिराजी बच्चा चेक करो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से और फिट पा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, खैर होती है, छुप रहे क्यों, इधर आ जाओ। तो कैसे हैं दोस्तों? यार आज व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल असल में शेख साहब ने खर्चा किया है, मुखे कबूतर लेकर आए हैं, कबूतरी लेकर आए हैं, ठीक है। और अब्दुल्ला ने एक दो कबूतर लिए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से अपने कबूतर। शेख जी बताओ ना इधर, अपने कौन कौन से कबूतर लेकर आए, दिखाओगे? नहीं हैं, चलो। ओ कालम चला गया अब्दुल्ला। कौन सा? ओ कालम यार, बच्चा बड़ा पसंद है, पकड़ के लेकर आ जाओ। पहले मुखी दिखाओ ना, मुखी लेकर आओ दोस्तों। यार पकड़ 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 पकड़। ओ यार सारे अंदर का। ओए होए होए यार, ये कैसे कबूतर? अच्छा दो में कटी हुई है, तभी ये छोटी सी लग रही है ना, दो में से कटी हुई है। ओ पागल हो गए, बिल्कुल ही पागल हो गए शेख साहब, पागल हो गए। ओ भाई क्या कहा, आराम से अनस क्या कर रहे हैं? गर्मी आ गई, पकड़ ले आराम से। उसमें तो चार है, उधर हाथ दे उसके। दाने डालो ना भाई, दाने डालो, आ जाएगा। पकड़ ले, पकड़ ले शेख, पकड़ ले। हाँ खोलो, अब शिराजी बच्चे के बाहर निकालो। तो उसे यहाँ बड़े खूबसूरत लेकर आए हैं, अभी जरा उसे पकड़ा ही नहीं दिया। ये अब्दुल्ला घर का भी पीछा है, ये वाला देख सकते हैं, बड़ा अजीब सा अब्दुल्ला निकला है। उड़ो पर हैं इसके पूरे, ये बंद है शेख, ये तो दिखाया हुआ है आपको। ये वाला लेकर आओ ना, ये मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। और दोस्तों यार मेरे हाथ में जो सा ना अच्छा कबूतर है, ये देखें कैसा खूबसूरत और जंगू कबूतर है, इसको कहते हैं ये ब्लैक शिराजी कबूतर। दिखाओ जरा आप हमको। इधर अहमद भी आया हुआ है, अहमद का पतंग वो पड़ा हुआ है, हवा है कोई नहीं, अहमद कहते हैं पतंग उड़ाना है। दिखाओ यार, खोल के दिखाओ जरा इसको, ये तो दिखाओ। वाह जी खूब छोटा सा बच्चा है अभी, है ना? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, दूसरा मुखी भी दिखाओ ना ज़रा। यार ये बहुत छोटा नहीं है, पहली बार मैंने शिराजी बच्चा देखा है, सही बात है। हाँ वैसे बड़े कबूतर मैंने बड़े रखे थे पहले, वीडियो वगैरह भी मेरी बनी है दोस्तों। यार अपने कबूतर में दाने वगैरह डाल जी, दिखाओ जी। खैर खैर खुशियाँ तो चलो दिखाओ। यार ये बड़ा मुझे पसंद आया, सही बात बताऊँ बहुत पसंद है। तुझे कैसा लग गया है? इसकी दुम कटी है, तब ये छोटी लग रही थी, तुम लोग कह रहे छोटी है, छोड़ो ज़रा इसको। दोस्तों यार ये बड़ा खूबसूरत कबूतर है यार, मुखी के साथ लगी हुई है, भगाई भी है उससे मादी। यार ब्लैक के साथ वैसे लगनी चाहिए, खैर है इसके साथ। ओह यार क्या बात है जी। ये जी दोस्तों यार दोनों कबूतर नहीं हुए हैं इसके, ये देखें जी, अच्छा है यार खूबसूरत है। दाने वगैरह डालो को बाद शायद निकालेंगे, नहीं डाले मुर्गियों का भी नहीं डाला हुआ है ना। अपना खुल जा सिम सिम, हमारा भी ये पी दाना खुलने। ओ ये जो चोंच था मारो, ठहरो 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 ठहरो। दोस्तों यार पता हूँ दाने डालते हैं, मत गया नीचे पानी लेने, असल में बोतल ऊपर ही आ गई थी दिन के टेंशन में आया, तो इसलिए मैं पानी नहीं भर के लेकर आया। फिर अहमद को भेजा, बड़ी मुश्किलों से गया लेकिन चला गया है। बाकी हम कुछ पता ही नहीं है इनको, खाली बात कबूतरों का पता है, भाई कबूतर रखें। मैं पानी तो लेकर आऊँ ना नीचे से, हैं शेख पानी लेकर आया करो ना नीचे से। हैं मर गया वो, तो मैंने अपने कबूतरों के लिए भेजा। किसका? मुखियों का लग गया सही, वैसे इसके साथ सही लगा हुआ था दिन के टाइम, मैं जब आया हूँ ना ब्लैक वाले के साथ लगा हुआ था। और अभी इसके साथ भी लगा, बच्चे अच्छे हैं। हाँ बच्चे, उससे ब्राउन और वो ग्रे शेड मारेगा ना बड़ा फिट आएगा, उसने भगा के रख दिए, वो तरसा हुआ था बेचारा। दोस्तों यार हैं ये भी आईफोन है भाई, हेलो अपना दाना डाल। दोस्तों यार ये मुर्गों का जो दाना वगैरह चेंज कर देते हैं, ठीक है, रोज जो है ना थोड़ा सा मिट्टी मिल जाएगा उनको। यार इन रोज़ में आती मट्टी पता नहीं कितने से लेकर आते हैं, ये पैरों से
ये देखो ना रोज पानी के अंदर इतनी ज्यादा मट्टी होती है। क्या गिन गए मुर्गों के? तुम आज पकड़ के तुम चलो इनको पानी में डाल दिया। रोटी जो सी ये पड़ी हुई है, रोटी डालिए इसके अंदर। अरे ये देखो ये ठंडी खुराक होती है इनकी, ये वाली नज़र आया? ये तो हम लोग रोज डालते हैं। ये ठंडी खुराक होती है ना, गर्मी ज़्यादा है ना यार। इन बेचारों को कुछ करना भी है, इनको थोड़ा सा छौंक के अंदर रखते हैं। क्या कहते हैं अमर? दोस्तों यहाँ दाना वगैरह मैंने कबूतरों में डाल दिए, ठीक है। पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उड़ गया तो ठीक है, ना उड़ा तो फिर ना सही। इनको डाला है चूजों को? नहीं बेचारों को दाना डाला हुआ है। कोई नहीं अहमद, वेट कर रहे हो पतंग उड़ाने का। फ्रेंड दोस्तों यहाँ वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा कि अनस के कबूतर आपको कैसे लगे हैं, शेख के कबूतर आपको कैसे लगे हैं। बड़ा ज़्यादा खाली इसने खर्चा किया कबूतर लेकर आए हैं, बड़ा खूबसूरत कबूतर हैं।